मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हमेशा की तरह एक न्यू टीएलएम लेकर आ गई हूँ जो हर बार से बिल्कुल अलग है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट्स में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं जो हिंदी टीएलएम्स के ऊपर है कि उन्हें हिंदी टीएलएम्स के टॉपिक पे डिफरेंट टीएलएम्स चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने 70% वोट मिले थे मैथ्स टीएलएम्स के ऊपर, तो अभी मेरी वीडियो मैथ्स की चल रही है। इसके आगे 7-8 वीडियो मैथ्स की आएगी, उसके बाद मैं हिंदी के टीएलएम्स लेकर आऊँगी, वो भी आपके नाम के साथ, जो आपके जो आपने मैसेज किया है मैं उसके साथ आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आऊँगी। तो आपको भी जिस टॉपिक पर टीएलएम्स चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो आपके नाम के साथ लेकर आऊँगी। आज का जो टीएलएम है वो काफ़ी मज़ेदार है, हर बार से बिल्कुल अलग और हटके है। इसके लिए हम एक गत्ते को लेंगे, एक कार्डबोर्ड को लेंगे, उसे हम सर्कल के शेप में 10 सर्कल मैंने उसे कट कर लिया है, उसे येलो चार्ट पेपर के ऊपर ग्लू करके फिर उसे राउंड मैंने उसके शेप में से कट कर लेना है। जब तक इसे मैं कट कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, मेरा ये टीएलएम प्री स्कूल के बच्चों के लिए भी है, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं और उन्हें बच्चों को सिखाने में काफ़ी दिक्कत होती है, वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो मेरे टीएलएम्स की हेल्प से वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। काफ़ी वो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले कर पढ़ेंगे। मेरे टीएलएम्स को सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल के टीचर्स इसे बनाते हैं और देखते हैं, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। प्री स्कूल के बच्चों के लिए ये मेरे वीडियोस नहीं जा पाते उनके पास, बट मैं उनको बता दूँ मेरे ये टीएलएम्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं और आपके लिए कितना हेल्पफुल है, और आपको जिस टॉपिक पे टीएलएम चाहिए उसको भी आप उसे भी हमें कमेंट, आपकी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अब मैं अपने इस टीएलएम को, आप देख रहे हैं मैथ का टीएलएम है, अब इसे मैं एक कोन का शेप देके एक साइड में नंबर लिखूंगी और एक साइड मैंने डॉट डॉट करके उतने ही नंबर्स के डॉट डॉट बना देंगे। यह करना काफ़ी इजी है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इन्हें बनाना भी काफ़ी इजी है और बनाना भी काफ़ी मज़ेदार है, तो ये जल्दी से बनके तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा मटेरियल्स की हमें नीड्स नहीं होती है। मेरे टीएलएम से बस 4-5 मटेरियल्स जो बराबर यूज में होते हैं, जैसे फेविकॉल, चार्ट पेपर, कार्डबोर्ड सीट, मार्कर, तो ये ऐसे 2-4 चीज़ें हैं जो मेरे टीएलएम्स में बार बार यूज में होते हैं और ये सबके घर में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आपको भी ये 10-15 रुपये में बन जाती है, और आपको मेरी एक टीएलएम कोई 5 रुपये में, कोई 10, कोई 15 रुपये में बन के रेडी हो जाती है। तो मेरे टीएलएम्स काफ़ी किफ़ायती हैं, मेरे कुछ टीएलएम्स तो जीरो इन्वेस्टमेंट के होते हैं, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। जब तक मैं ये बना रही हूँ मैं आपको बता दूँ, इसके आगे मैं मैथ्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग टीएलएम्स लेकर आने वाली हूँ जो बच्चों को काफ़ी मज़ेदार लगेगी, उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और मेरे इस टीएलएम से बच्चे नंबर्स को पहचानना और काउंट करना सीखेंगे, तो मेरा ये टीएलएम एक गेम की तरह होने वाला है जो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके खेलेंगे, क्योंकि मैं इसी टीएलएम से पढ़ाती हूँ जिससे वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीखते हैं, और मेरे हर टीएलएम उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और उन्हें वेट रहता है कि कब टीएलएम्स निकलेंगे और हम उन्हें खेलेंगे। एक तरह से बच्चे मेरे टीएलएम्स को एक गेम की तरह लेते हैं, उन्हें बुक्स की पढ़ाई थोड़े कम अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मेरे टीएलएम्स होते हैं उनसे वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, इससे उन्हें खेल का खेल लगता है और एक वो टीएलएम्स मेरे सीख जाते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी टीएलएम्स काफ़ी हेल्पफुल होता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो सीखना स्टार्ट करते हैं, तो मेरे टीएलएम्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और उन बच्चों के लिए भी जो प्री स्कूल चलाते हैं, और उन पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है जो बच्चों को घर पे सिखाते हैं, बच्चा सीखता नहीं है तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेगा। अब इसके बाद मेरा टीएलएम का नेक्स्ट पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस अब हमें इसे, मैंने जो ये लाइन ड्रॉ करी है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे बस इसे कट करके अलग कर लेना है। इसे 1 मिनट लगेगा कट करने में सारों को, जब तक ये कट हो रहा है तब तक आप कमेंट करके आप अपना राय और सुझाव हमें लिख सकते हैं, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें ये भी बताएं, अच्छी लगती तो भी बताएं, ना अच्छी लगती तो भी बताएं, और मुझे अपने वीडियो में क्या सुधार करना है, आपको किस टॉपिक पर टीएलएम चाहिए, कैसे चाहिए आप मुझे बता सकते हो। तो अब मेरे टीएलएम का लास्ट स्टेप चल रहा है और इसे देख के आप समझ गए होंगे कि इसे यूज कैसे करना है, इसे बच्चों के साथ इसे बच्चों से इसे प्ले कैसे करवाना है। इतने देर तक आप हमारे वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो ज़्यादा छोटी नहीं होती और ना तो ज़्यादा लंबी होती है, मैं अपने इस टीएलएम्स को इस तरह कट करके इन्हें कर दूंगी, उसके बाद बच्चों को एक नंबर बोलूंगी
और वो बच्चा उस नंबर को और उस डॉट्स को जो इस काउंट करके उन्हें आपस में मैच कराएगा। इस तरह इससे ये बच्चों का खेल पूरा होगा और इससे बच्चों का एक्सरसाइज भी होगा और उसे अभ्यास भी करेंगे और उसे सीखेंगे भी और उन्हें काउंट करना भी आ जाएगा। इस तरह मैंने इसे अलग अलग कर लिया है। अब बच्चों को मैं एक नंबर बोलूँगी, उसमें बच्चा क्या करेगा, भी उठाएगा और वो डॉट्स को काउंट करके मैच करेगा। इससे बच्चे नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे और काउंट करना आ जाएगा। ये बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी मज़ेदार लगेगा। एक किस बच्चा भी इस सीखेगा, क्योंकि ऐसा करना सबको अच्छा लगता है। जो सीखना नहीं चाहेगा वो भी सीखेगा कि मुझे भी ये गेम खेलना है। तो ये मेरा टेलम्स काफ़ी यूजफुल है बच्चों के लिए, इसे आप जरूर बनाइएगा और कहा।